We find that people, different disciplines are all looking at change. They're expressing change, they're interpreting the change in their lives, and they all converge on their own experiences. The people who are allowed to do things in this society, they can become musicians or artists. Ek aadmi aaya and he came to me and asked me if he can use the mic. और उसमें आके वो बोलता है भाई प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं कब से बाहर खड़ा हुआ हूँ. और इतने में एक बच्चा आता है और आके उसको बोलता है आ जाए घर आ जाए, दरवाजा खुल जाए. As a collective, we have a sonic core, so it's really interesting to sort of come together and create spaces with minimalist object with you. So it's just sampling, which is something really popular in contemporary music sound, experimental sound practice. So I have done projects where I was visually translating music into architectural pieces and drawings. Sound and music ke jitne bhi forms hain, un sab ko milakar naye experiments kiye gaye hain aur ye naye log jo hai kar rahe hain. Aur I think ke ye debate aage badhegi aur hum art ki koi nayi shakal dekh payenge. 2000 ke baad kya changes aaye hain music mein, kyun change ho gaya hai, वो एस्पेक्ट भी कवर हुआ. थ्योरी ज़रूरी है म्यूज़िक के हवाले से या आर्ट के हवाले से, या फिर आपकी फीलिंग्स जो हैं, वो इमोशंस जो हैं, वो आप एक्सप्रेस कर दें बग़ैर किसी नॉलेज बेस के या थ्योरी के. तो ये भी डिस्कस हुआ, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर हुई. आर्ग्यूमेंट से और बहुत सारे एरियाज़ मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सोचने का मौका मिलता है. तो बहुत सारे एरियाज़ हम नहीं सोच पाते आर्ग्यूमेंट से, वो भी जहन में सवाल उठते हैं. तो वो एक नई डाइवर्जन या एक नया एरिया खुल जाता है जहाँ पे आपका मज़ीद नॉलेज जो है वो आप गेन कर सकते हैं. आज ये प्रोग्राम जो फ्रेंच कल्चर सेंटर में हुआ है, बहुत ही खुशाइन अमल है. नए टैलेंट को प्रमोट किया गया है, सपोर्ट किया गया है, नए विजन म्यूज़िक के लोगों को बताए गए हैं, किस किस तरीके से क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं वो बताई गई हैं. नई जनरेशन से मिलके बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने एक न्यू आइडियाज़ दिए कि साउंड को उन्होंने कोशिश की कि म्यूज़िक से अलहदा एक जॉनरे बनाए. ताल को उन्होंने आर्किटेक्ट मूड में उसको एक पेंटिंग की शक्ल में सामने लाए. पूरे एक साइकिल को समझाने की कोशिश की. मैं समझता हूँ कि बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है कि एक ही फॉरम पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं और पर्टिकुलरली आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब पब्लिक लेवल पे. इस डिस्कशन से ये जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि ये म्यूज़िक जो है और विजुअल आर्ट जो है, इसका मिलाप जो है ना, ये मतलब लाजमन होता है अगर एक सोसाइटी में नेचुरल डेवलपमेंट हो. कि देखें आप, अगर आप इंडोनेशिया में देख लें या इंडिया में देख लें, जहाँ पर म्यूज़िक जो है और विजुअल आर्ट जो है वो माशरे में एक हिस्सा है. जैसे वहाँ पे पपिट का शो होता है, इंडोनेशिया में मुसलमान की कंट्री है, उसमें पपिट का शो होता है और उसके साथ म्यूज़िक होना लाजमी है. इसी तरह इंडिया में भी जहाँ म्यूज़िक और आर्ट को मिलाया गया है, नेचुरली डेवलप होने दिया, तो उनके माशरे में टेंपल में जो आर्ट है, जो स्टैचूज़ हैं, जो प्रोडक्शन होती है, पेंटिंग होती है, और उसके साथ म्यूज़िक भी साथ होता है. और म्यूज़िक जो है ये फितरती तौर पे इंसान में अंदर दोनों साथ निकलता है. तो ये तो हम तोड़ दिए हैं, अभी हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो क्रिएटिव अप्रोच का जो लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुँचे, तो ये रियली बहुत अच्छा अटैम्प्ट है कि कैसे हम ये लोग काम कर रहे हैं म्यूजिशंस लोगों में. जो एक हर वक्त टीवी पे वही एक पॉपुलर किस्म की वीडियोस चल रही हैं, वो एक रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये कि एक डिफरेंट अप्रोच जो म्यूज़िक जो पब्लिक को लगे रियली वाइटैलिटी टाइप की चीज़ देगी, तो वो यहाँ पर है. हमारे पास चैनलाइज कर रहे हैं लोगों को, आर्टिस्टों को फॉरम बना दिया उन्होंने.